हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेंस की 28वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम इसकी 27 क्लास कर चुके थे और आज हम अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हम करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरी अर्थशास्त्र की बुकलेट है, ये उसी में से ये पढ़ा रही हूँ मैं। 29वें पेज से स्टार्ट कर रही हूँ। टोटल 349 पेज की आपको ये अर्थशास्त्र की बुकलेट मिलेगी। अगर 2020 के 21 के 22 के अकॉर्डिंग देखें तो ये पेपर द्वितीय में आएगा, और अगर 2019 के अकॉर्डिंग देखें एग्ज़ाम के लिए तो ये आपका पेपर थर्ड में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, इसके महत्व और इसकी आवश्यकताओं को बताइए। राष्ट्रीय आय क्या है, सबसे पहले ये राष्ट्रीय आय वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और इसके महत्व क्या है ये आपको 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, तो एक देश की राष्ट्रीय आय से आशय होता है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य का योग। एक वर्ष में जितना भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जितनी भी सेवाएं होती हैं, उन सब के जो मूल्य का टोटल होता है वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। इसमें से वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई, अब अगर हम कोई चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो उस सेवा प्रदान करने के लिए या उत्पादित करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए, तो वो जो होता है उसका खर्चा जो होता है वो घटा लिया जाता है। तो इसमें से वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट, मतलब जो मूल्य हानि होती है उसको घटा दिया जाता है। तथा विदेशों से अगर हमें कोई आय प्राप्त होती है, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय होती है उसको जोड़ दिया जाता है। तो एक देश की राष्ट्रीय आय से आशय है साधारणतः एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य का योग। इसमें वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है, तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। अब हम इसके महत्व देखते हैं। तो महत्व में पहला पॉइंट देखते हैं कि किसी देश के संसाधनों द्वारा निश्चित समय में उत्पन्न किए गए लाभदायी परिणामों और उनके समाज में वितरण को तथ्यात्मक रूप से प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय आय एक सुविधाजनक माध्यम है। क्या बोल रहे हैं कि किसी देश के संसाधनों द्वारा निश्चित समय में उत्पन्न किए गए लाभदायी परिणामों और उनके समाज में वितरण का तथ्यात्मक रूप से प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय आय एक सुविधाजनक माध्यम है। राष्ट्रीय आय के द्वारा अर्थव्यवस्था कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही है इसको हम समझ पाते हैं, इसलिए इसका भी महत्व है। किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति और उसके संसाधनों की उत्पादन क्षमता का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। तो कोई राष्ट्र कैसे प्रगति कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके लिए राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय आय द्वारा ये पता चलता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से काम कर रही है और किस और संसाधनों का किस तरीके से प्रयोग हो रहा है, ये भी राष्ट्रीय आय के कारण ही संभव हो पाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको अपने मेंस के पैकेज की डिटेल दे देती हूँ। मेरा एमपीपीएससी मेंस का जो पैकेज है उसकी आपको 41 बुकलेट मिलती हैं। 41 बुकलेट में आपको 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं और 29 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। इसके अलावा साथ में आपको इसमें 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी प्रदान किए जाते हैं जहां पर आपकी तैयारी कराई जाती है। ये सभी नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं, जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूं उसी में से वही मेरे नोट्स हैं। इसी प्रकार से किया गया, जैसे कि अगर कोई राष्ट्रीय आय टॉपिक है तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर बन सकते हैं 3 नंबर में, 5 नंबर में, 11 नंबर में, तो वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। बाकी इसके अलावा कोई करंट से संबंधित इशू होता है, कोई करंट में अभी कोई चीज़ टॉपिक चल रहा हो, हॉट टॉपिक चल रहा हो, तो जैसे कि अभी कुछ समय पहले रूस यूक्रेन जो वार था वो चल रहा था, इसके अलावा किसानों के जो मुद्दे चलते रहते उससे संबंधित प्रश्न भी हम आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि अग्निवीर योजना है, तो इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। अगर आप हमारा पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।
और ये आप कहीं भी भारत में रहते हो ये बुकलेट आपके पास पहुंच जाएगी। ये सभी हैंड रिटन है और कॉपी होके आपके पास ये पहुंचेगी, बाइंडिंग होके ये आपके पास पहुंचती है। इसका टोटल प्राइस जो है 11,999 है, इससे ये प्राइस कम नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो पेजेस हैं उसके रेट भी बढ़ चुके हैं, तो अब ये रेट हमारे लिए कम करना पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि राखी पर और अभी जन्माष्टमी पर हमने कोई ऑफ़र नहीं निकाला है, क्योंकि जो ना हमारे जो हैंड रिटन अगर प्रिंटेड नोट्स होता है, प्रिंटेड कोई चीज़ प्रिंट कराते हैं तो उसका चार्ज कम हो जाते हैं, लेकिन हमको खुद कॉपी कराना रहता है और कॉपी कराने का चार्ज ज़्यादा ही अब रेट बढ़ गए हैं। और ये नंबर ऑफ़ पेजेस रहते हैं करीब 6,000 से 7,000 पेजेस रहते हैं हर पेजेस, हर जो कॉपी रहती है, जैसे 41 बुकलेट रहती है तो जो 29 बुकलेट है उन पे हम ग्लॉसी लगाकर आपको देते हैं, मोटी बुकलेट है तो बाइंडिंग करा के देते हैं, तो ये सभी एक सेफ्टी के तौर पर आपको बहुत सेफली आपके पास पहुँचती हैं। भारत में आप कहीं भी रहते हैं आपके पास ये पेमेंट करने के 6 से 7 वर्किंग डेज में आपके पास ये पहुंच जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाली, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई फोटोकॉपी का है कि जो आपको कम में करते हैं तो आप हमारी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी का चार्ज 499 है, तो आप सॉफ्ट कॉपी लेके खुद भी कॉपी करा सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। स्वतंत्रता के बाद से ही अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय लगातार देश की बढ़ रही है, हम वो आंकड़े भी देखेंगे। इसे वृद्धि की प्रवृत्ति में निम्नलिखित विशेषताओं को देखा जा सकता है कि किस तरह से राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। सबसे पहला पॉइंट है अनियमित वृद्धि। 1950-51 से अगर 2015-16 के बीच देखें 65 वर्षों में, तो 13 वर्ष इन 65 वर्षों में 13 साल ऐसे रहे हैं जिनमें राष्ट्रीय वृद्धि दर आय जनसंख्या वृद्धि दर से कम थी। मतलब जनसंख्या बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा वृद्धि दर से, और उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर कम थी, तो राष्ट्रीय वृद्धि दर आय जनसंख्या वृद्धि दर से कम थी, इसलिए इन वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई। इसके अलावा 16 वर्ष ऐसे थे जिनमें प्रति व्यक्ति आय का स्तर पिछले किसी वर्ष में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम था, तो ये अनियमित वृद्धि देखी गई है। कृषि के उतार चढ़ाव के कारण समृद्धि स्तर का घटना बढ़ना। अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता और मानसून पर इसकी आश्रितता क्या जो रहती है उससे भी राष्ट्रीय आय को प्रभावित होती है। अगर बारिश अच्छी होती है तो कृषि अच्छी होती है, जिससे कि उत्पादन अच्छा होता है तो द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में भी अच्छे जो होते हैं राष्ट्रीय दर जो होती है वो अच्छी होती है अर्थव्यवस्था दर। लेकिन अगर कृषि ही जो बारिश के कारण ठप्प पड़ जाती है तो दूसरे क्षेत्र भी इससे प्रभावित होते हैं। तीसरा है असमान आर्थिक समृद्धि। समय के साथ साथ भारत समृद्धि दर को तेज करने में कामयाब हुआ है। आयोजन के पहले राष्ट्रीय आय में वृद्धि की चक्रवर्ती जो दर थी वो 3.4% थी, 1980-81 में ये 5.5% हो गई। समृद्धि दर का मुख्य कारण है सेवा क्षेत्र का तेजी से प्रसार। अगर हम पहले की बात करें 1947 के समय की, तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान था वो बहुत कम होता था, और अभी की वर्तमान की बात की जाए तो सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, तो यही कारण है कि जो समृद्धि दर जो है बढ़ रही है। अगला है अर्थव्यवस्था का असंतुलन। अर्थव्यवस्था का तीनों क्षेत्र का विकास एक दूसरे पर आधारित ना होकर स्वतंत्र रूप से हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र अपने आप में वृद्धि कर रहा है, द्वितीयक क्षेत्र अपने में कर रहा है, और तृतीयक क्षेत्र अपने में कर रहा है, तो ये स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी तरीके से बढ़ रहे हैं, अर्थात ये विदेशी सहायता पर आधारित भी रहा है। इसके कारण नए रोजगार नहीं बढ़ पा रहे हैं। राष्ट्रीय आय के लाभ का वितरण भी समान रूप से नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा सेवा और विनिर्माण क्षेत्र से आता है, लेकिन जनसंख्या का आधे से अधिक भाग जो होता है वो कृषि पर आधारित होता है, तो यही सब कारण है, यही राष्ट्रीय आय में वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं। अनियमित वृद्धि के अंतर्गत लिख सकते हैं, समृद्धि दर घटने बढ़ने पर लिख सकते हैं, असमान आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था का असंतुलन आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि इस प्रकार से निष्कर्षतः राष्ट्रीय आय का साल दर साल अलग अलग क्षेत्रों से प्रभावित होकर उसकी वृद्धि जो समृद्धि दर है उसकी अलग अलग प्रवृत्ति रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के मुकाबले काफ़ी कम है, इसके कारण बताइए और इसमें वृद्धि हेतु सुझाव दीजिए। तो भारत विकासशील देश है जहाँ राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के मुकाबले काफ़ी कम है, इसके कारण इस प्रकार है।
पहला है जनसंख्या का विशाल आकार और तीव्र वृद्धि दर। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो हम द्वितीय नंबर पर हम जनसंख्या में हैं और दो दिन भी दूर नहीं है जब हम प्रथम नंबर पर आ जाएंगे। तो हमारे जनसंख्या तो तेज़ी से वृद्धि कर रही है, लेकिन जो आय का स्तर है और जो रोज़गार के मुकाबले या देखा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी विनिर्माण वाला जो काम है हमारे देश के युवा नहीं करते हैं। तो जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन आय का स्तर उतना नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण जो आय और उतनी इतनी ज़्यादा आबादी को, अगर आय प्राप्त भी होती है तो उतनी ज़्यादा आबादी को आबादी के पालन पोषण में जो पैसा चला जाता है, जिसके कारण सेविंग नहीं हो पाती, दूसरे काम में पैसा नहीं लग पाता और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के मुकाबले कम हो जाती है। तो जनसंख्या का विशाल आकार और तीव्र वृद्धि दर एक कारण है। दूसरा है बचत और विनियोग। वही जब बचत ही नहीं होगा तो हम दूसरी चीज़ में विनियोग नहीं कर पाएंगे, तो बचत और विनियोग का निम्न स्तर है। अकुशल व अप्रशिक्षित मानव संसाधन, संसाधन कोई भी हो वो लाभ ही देते हैं, चाहे वो निर्जीव संसाधन हो जैसे कि जल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, या फिर मानव संसाधन हो सजीव संसाधन। मानव संसाधन को तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा तो ही वो हमको लाभ प्रदान करेंगे। इसी तरह जो निर्जीव संसाधन होता है उसका हम सही यूज़ करेंगे तो ही वो हमको लाभ देंगे। लेकिन हमारे यहाँ का जो मानव है वो अकुशल है और अप्रशिक्षित है, यहाँ की श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसके कारण भी हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम है। पूंजी की कमी है हमारे देश में, निम्न उत्पादकता है, जिसके कारण विकासात्मक व उद्यमशील वातावरण का अभाव है। विकासात्मक मतलब हर जगह ऐसा नहीं है कि उद्योग हैं तो उद्योग अच्छे से काम कर रहे हैं, एक उद्यमशील वातावरण है, चारों तरफ लोग अच्छा अच्छा उद्यमशील हैं, मेहनती हैं, कोई चीज़ उत्पादित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है तो उस चीज़ का अभाव है। प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण तरीके से दोहन किया जाता है। विपणन प्रणाली, विपणन मतलब बेचना, आदान प्रदान करना, ये प्रणाली का भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दोष है। विपणन प्रणाली कमज़ोर है दूसरे देशों की तुलना में, तो यही कारण है कि हमारे यहाँ की आय कम है। इसके अलावा अगला है लोगों में रूढ़िवादिता और भाग्यवादी दृष्टिकोण। ये प्राथमिक क्षेत्र में अधिकतर देखा गया है कि लोग जो होते हैं वो परंपरावादी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, नई तकनीकों पर विश्वास नहीं करते, जिससे हम पिछड़े हुए हैं। अगला है ब्रेन ड्रेन की समस्या। हमारा जो जो ब्रेन है, जो हमारी जो दिमागी चीज़ें हैं वो दूसरे देशों में चली जाती हैं, हमारा देश उसका यूज़ नहीं कर पाता है। कौशल विकास व इनोवेशन की कमी है। बचत एकत्रित करने वाली संस्थाओं की भी कमी है। कृषि व अन्य कोर सेक्टर का पूर्ण विकास ना होना भी हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय कम होने का कारण है। इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? सबसे पहले बचत, ज़्यादा से ज़्यादा बचत निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए। जन संसाधन का उचित नियोजन किया जाए। जन संसाधन मतलब जो मानव संसाधन है उसको उचित प्रशिक्षण दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। कौशल युक्त संस्थान खोले जाएँ, जैसे कि पॉलिटेक्निक हुआ, ITI, ऐसे संस्थान खोले जाएँ जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए। संसाधनों का बेहतर व संतुलित उपयोग किया जाए। कृषि और उद्योगों में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए। विदेशी व्यापार को बढ़ाया जाए। विदेशी व्यापार बढ़ाएंगे तो हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, जिससे हम और तरीके की नए नए चीज़ों का इनोवेशन कर पाएंगे। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जाए। राजनीतिक व प्रशासनिक नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति भी से भी हम राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकते हैं। गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन हो, गरीबी व बेरोजगारी हटे, उससे भी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकते हैं। और ऐसी शिक्षा हो जो रोजगार परक हो, मतलब जो रोजगार दे सके। निष्कर्षता, उपयुक्त उपायों को अपनाकर देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है, ताकि भारत का विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो सके। इस प्रकार से हमने क्या कारण है ये कि ये उपाय करें, पहले हमने इंट्रो लिखा, फिर कारण लिखे, फिर उपाय लिखे, और फिर लास्ट में हमने निष्कर्ष लिखा। कोई भी प्रश्न इसी प्रकार से आपको फ्रेम करना है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, ट्विटर पर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं हो तो व्हाट्सएप करके अपना नंबर मेरे पास सेव करा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।